Good morning. कुछ लोग लगता है हाँ कुछ लोग लगता है इसमें क्या इनोवेटिव है. गुड मॉर्निंग सो लेट्स ट्राई वंस अगेन. गुड मॉर्निंग. यस थैंक यू वेरी मच. दिस वॉज माई इनोवेटिव आइडिया टू इन्वाइट यू बैक टू द रूम. मैनी ऑफ यू आर आउट व्हेन आई वाज सेइंग गुड मॉर्निंग. सो मैं आई विल स्पीक इन हिंदी बिकॉज आई थिंक इन हिंदी एंड नो इनोवेशन can be talked about unless we have a collaboration between our thinking and action. So main hindi mein baat rakhunga apni. I'm sure those who can't understand hindi at all will get lot of help from around the corners of the tables. Indian society मैं समझता हूँ हम लोग सॉल्विंग द प्रॉब्लम थ्रू इनोवेशंस की बात कर रहे हैं. एक जेनरिक सा मैं कमेंट दूं कि इंडियन सोसाइटी बहुत शुरू से इनोवेटिव रही है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे देश की पॉलिटिक्स है. हम एज ए नेशन पॉलिटिक्स को लेके इतना इनोवेटिव रहे हैं. वी हैव इनोवेटेड लेफ्ट, वी हैव इनोवेटेड राइट. हमने कभी सेंटर ऑफ सेंटर, कभी राइट ऑफ द सेंटर, कितने इनोवेशन किए हमने. हमने जाति के आधार पे पॉलिटिक्स का इनोवेशन कर दिया, हमने धर्म के आधार पे पॉलिटिक्स का इनोवेशन कर दिया, हमने विकास के आधार पे. आई मीन देयर आर सो मेनी इनोवेशंस दैट वी हैव डन. और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका सबका लिंक है किसी न किसी चीज से. आई एम नॉट गिविंग जस्ट पासिंग रिमार्क्स. जुगाड़ शब्द हमने ईजाद किया है. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जुगाड़ भी जुगाड़ हो सकता है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द जुगाड़. इन नॉर्दर्न इंडिया वी हैव ए व्हीकल कॉल्ड जुगाड़ वेयर वी यूज दिस बुलक कार्ट. आई एम नॉट एग्जैक्टली बुलक कार्ट, देयर इज अ कार्ट, टू व्हीलर कार्ट, एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम टू व्हीलर्स बट मेनी टाइम्स फोर व्हीलर ऑल्सो. एंड दे पुट अप द इंजन, जो इरीगेशन वाला इंजन है उसको लगा के उसके साथ एक उसको कार बना देते, ट्रॉली के रूप में चलाते हैं. एंड दैट इज बींग यूज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू फेरी पीपल फ्रॉम विलेज टू नेबरिंग टाउन एंड नेबरिंग टाउन टू विलेजेस एवरी डे. सो इस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग बाई नेचर तो इनोवेटिव हैं, बट प्रॉब्लम यह हो गई कि हम बाई एजुकेशन इनोवेटिव नहीं है. उसका कारण है हमारी स्कूल एजुकेशन. समाज आपस में बहुत इनोवेटिव है और ये हम नहीं, दुनिया भर में है. जितने सारे एग्रीकल्चर वैरायटीज, जितने सारे स्पीशीज, सब इनोवेशन से आए हैं. ये कोई ऐसे नहीं आ गए हैं, अभी तो यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं. इन यूनिवर्सिटीज से पहले भी नए नए स्पीशीज आते थे, नए नए एग्रीकल्चर प्रोसेसेस आते थे. वो सब आदमी वहीं खेतों में इनोवेशन करके शुरू करता था. लेकिन इस इनोवेशन स्किल को समाज के हम अपने सबसे पहली हत्या अभी हम कर रहे हैं. इनोवेशन को कैसे बढ़ाया जाए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम इनोवेशन, इनोवेटिव माइंडसेट की हत्या कहाँ कर रहे हैं. हम सबसे पहली हत्या अपने इनोवेटिव माइंड की स्कूल में कर रहे हैं. जब बच्चा आता है तो सबसे पहले उसको कहा जाता है ये किताब है, इससे बाहर नहीं सोचना है. ये पिछले साल क्वेश्चन पेपर आया था, और पिछले ज्यादा इनोवेटिव होना है तो पिछले 5 साल के देख लो, इससे ज्यादा नहीं जोर लगाना है. अब पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर और एक अच्छे राइटर द्वारा लिखी गई किताब, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द राइटर, उसके जरिए तो इनोवेशन नहीं होने वाला है. उसके जरिए इनोवेशन की हत्या का, इनोवेटिव माइंडसेट की हत्या का काम हो सकता है, और वो हम सक्सेसफुली अपने स्कूल्स में कर रहे हैं. बाय डिफॉल्ट योग संयोग से कहीं कहीं कोई बच्चा निकल के आ जाता है. किसी स्कूल में एम्बियंस बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, वहां से बच्चे निकल के आ जाते हैं इनोवेटिव माइंडसेट के साथ में. वो अच्छी बात है, लेकिन लार्जली हम अपने स्कूल सिस्टम में इनोवेशन की हत्या कर रहे हैं. तो सबसे पहला काम हम और पुण्या जी और हमारी सरकार दिल्ली में जो कर रही है, आप लोग मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया पर अगर हम में से किसी को या दिल्ली गवर्नमेंट के किसी वर्क को फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं, वो भी अपने आप में एक इनोवेटिव आइडिया है. एजुकेशन सिस्टम में आप देखते होंगे स्कूल में स्विमिंग पूल बन रहा है सरकारी स्कूल में, ये फैंसी लाइट लग रही है. आई डोंट थिंक दैट्स एन अचीवमेंट. अचीवमेंट वुड बी द डे व्हेन वी ट्रांसलेट आवर एजुकेशन सिस्टम इनटू अ क्रिएटिव एंड क्रिटिकल लर्निंग एनवायरनमेंट.
वो जब तक क्रिटिकल और क्रिएटिव लर्निंग नहीं होगी हमारे स्कूल्स में, अनफॉर्चुनेटली हम उस पर जोर नहीं दे रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल में हमने उस पर जोर देने की शुरुआत की है कि स्कूल में बच्चे को पढ़ाओ तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी डेवलप करो। क्योंकि आप में बहुत सारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के, कॉरपोरेट्स के ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने इनोवेटिव तरीके से अपने सिस्टम्स को आगे बढ़ाया, अपने इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाया। अभी हम डॉक्टर रेड्डी की कहानी सुन रहे थे, ही वॉज एन इनोवेटर। ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे। हम बच्चे को फोर्स करते हैं कि डोंट थिंक बियॉन्ड द बुक, फॉरगेट अबाउट द बॉक्स। सो वो हम किसी तरह से निकाल के ले आए। उसके लिए हम पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं। इफ आई पुट यू द डेटा, दिल्ली के गवर्नमेंट, प्राइवेट, प्राइमरी सारे स्कूल्स में मिला के हमारे पास 40 लाख बच्चे हैं अभी। इट्स ह्यूज। 40 लाख बच्चों में से मैं कहूं कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर, जिसको हम अभी यहां जेनरिक टर्म में क्वालिटी कह सकते हैं, हम 4-5 लाख बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं, बाकी बच्चों को बहुत जेनरिक एजुकेशन दे पा रहे हैं। और 4-5 लाख की क्वालिटी एजुकेशन में भी इनोवेटिव क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटीज तो हम बहुत सेलेक्टेड के अंदर डेवलप कर पा रहे हैं बाय एजुकेशन। सो उस पर हमारा फोकस है कि दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो, प्राइमरी स्कूल में हो, वहां उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी पैदा हो। उसको लेके हमने, क्योंकि आपको कहां से मिलेगा, आप कैसे उसके इनोवेटिव स्किल्स को डेवलप करोगे? आपके कॉर्पोरेशन में कोई आ जाए, आपके लैब में कोई आ जाए, आप कहां से लाओगे? अगर उसकी स्कूल एज के हमने 12 साल क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग में यूज नहीं किए, उसकी कैपेसिटीज डेवलप नहीं की, आप कैसे करोगे उसके अंदर डेवलप? आपका इंस्टीट्यूट, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी, जितने सब यहां बैठे हैं, आप कैसे करोगे उसके अंदर डेवलप अगर स्कूल लेवल से नहीं आया? हम वहां उसको नर्चर करके दे। जिस दिन स्कूल आपको नर्चर करके देने लगा उस इनोवेशन को जो समाज में पहले से एग्जिस्ट करती है, बस बच्चे के अंदर हम किल करते हैं उसको, एग्जाम बाई एग्जाम, एग्जाम बाई 12 साल हम मेहनत करके उसके अंदर खत्म करते हैं। उसको अगर हमने किसी तरह से स्क्रैच करके आपको दिया, आप हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत काम हो रहा है, दिल्ली नहीं देश भर में हो रहा है। मैं दिल्ली का, पुनिया जी ने बताया, जस्ट क्विक रिकैप ऑफ दैट कि 2016 में हमने अपने 6 इंस्टीट्यूट से शुरू किया। हमने बैठ के कहा कि भाई रिसर्च नहीं हो रही है, इनोवेशन नहीं हो रहे हैं, हमने इंक्यूबेशन का काम नहीं हो रहा है, हमने 1.5 करोड़ से शुरू किया इंक्यूबेशन पॉलिसी के साथ में। आज हम दिल्ली में रिसर्च के सेक्टर में आई कैन से कि बहुत चैलेंजिंग स्टेज पे आ गए हैं। हमने कहा अपने इंस्टीट्यूट्स को कि आप, जिसका जिक्र डॉक्टर रेड्डी कर रहे थे कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं हो रही है, हमने उसको इनोवेटिव मॉडल में लाके हमने कहा कि आप इंडस्ट्री से अपना पैकेज, जो भी अपना आइडिया है, इंडस्ट्री से वेट करा के लाइए, इंडस्ट्री से आप सपोर्ट निकाल के लाइए, मैचिंग ग्रांट आपको दिल्ली सरकार देगी। हमारे आज सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में मैचिंग ग्रांट्स के साथ रिसर्च का काम हो रहा है। और इट्स नॉट लिमिटेड टू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ओनली, अप्लाइड आर्ट्स, सोशल साइंस, इन सारे सेक्टर्स में हो रहा है, फार्मेसी में हो रहा है। फार्मेसी के हमारे 2 कलीग्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई एम श्योर कि यू विल फाइंड देम यूजफुल टू डू मोर कोलैबोरेशन विद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक देम। दिस इज द एशियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी इन दैट कैपेसिटी, डिप्सारू। सो यस, मतलब इट्स नॉट लिमिटेड टू, आई सेड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ओनली, फार्मेसी, अप्लाइड साइंस, अप्लाई आर्ट, सोशल साइंस, इन सब में हम अपने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स तक में इन सब पे काम करवा रहे हैं। और फॉर्मूला यही है कि साहब आप मार्केट में जाइए, मार्केट अगर आपके आइडिया को वेट करता है तो मार्केट को फंडिंग करनी चाहिए, मार्केट अगर फंडिंग करता है तो मैचिंग ग्रांट देने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। एंड वी आर फंडिंग मेनी ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। वन ऑफ देम इज वेरी एक्साइटिंग, मेनी ऑफ देम पुनिया टॉक्ड अबाउट, बट सम ऑफ देम आई कैन फ्लैग दैट सेंटर फॉर कम्युनिटी नॉलेज हमने अपने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में शुरू किया, दिल्ली हेरिटेज को डिजिटलाइज करना, डिसेमिनेट करना, सिटीजन मेमोरी प्रोजेक्ट है, अलग तरीके का है। अर्बन लैंडस्केपिंग, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है दिल्ली, उसमें अर्बन लैंडस्केपिंग किस तरह से चेंज हो रही है, उस पर रिसर्च करने का काम शुरू हुआ है। मोबाइल बेस्ड डायग्नोस्टिक्स का काम शुरू किया है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पर। ये सारे रिसर्च हैं जो उसकी मार्केट में ज़रूरत है, मार्केट उसको सपोर्ट कर रहा है, इंडस्ट्री उसको सपोर्ट कर रही है, कॉरपोरेशन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ फिर सरकार कर रही है। बिकॉज द प्रॉब्लम विद गवर्नमेंट फंडिंग सिस्टम इज कि अगर हम ये कह लें 100% आप कर लीजिए, देर आर सर्टेन गुड पीपल, गुड इंस्टीट्यूट विच आर वर्किंग, बट उसको स्केल अप नहीं कर सकते। स्केल अप करना है आपको मार्केट के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। क्वालिटी, नो मिनिस्टर, आई कैन जस्ट हैव पॉइंटर्स, बट आई कैंट जज एनी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द क्वालिटी।
No IAS officer can ever evaluate a project, but market can do it. Whatever we are, me and Punya Srivastava cannot judge a pharmaceutical research project based on our knowledge. But if market judges it, market supports it, then we are ready to support it. Matching grants, with matching grants. So uska jab humne shuru kiya to usme kai cheeze nayi innovative cheeze nikal ke aa rahi hain. I'm sure jab Delhi mein hum is tarah ki koi conference next time kar rahe honge, so we'll need 1 hour to present that this research project only, ki how innovative and research oriented our institutes have become in last 2.5 years. The only thing is we have to do more research, but for that we have to fix the problem of education first. We have tried to fix that in last 1.5 years. I'm sure I can say with pride that in Delhi school education system, especially focused on Delhi government school education system, we have been able to plug that gap. Now, every student studying in Delhi government school is getting some sort of critical thinking development capacity within. We are working on that. How much we can succeed, time will tell. But we have focused on that in last 2.5 years. Then, of course, focusing on research and innovation. These are two partnered factors of the thing. So, ये हम लोग कर रहे हैं. I'm sure कि यहाँ से जितने लोग बैठे हैं, वो हमारे incubation centers हों, चाहे institutional research हों, industry के लोग बैठे हैं, VCs, institutions से लोग बैठे हैं, heads बैठे हैं. आप सबको मैं invite करता हूँ कि दिल्ली में, irrespective of your area of working, there are a lot of scope to work. I invite you. आप आइए. दिल्ली के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में काम कर रहे हैं. दिल्ली में हम लोग आज, मैं यहाँ के बाद आई एम गोइंग टू विजिट द टी हब. ऑन द सेम लाइन वी आर डेवलपिंग फॉर एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स. वी आर डेवलपिंग सेंटर्स, डेली हब सेंटर्स. उन सब में, उन सबको खड़ा करने से लेके उन सबको फंक्शनल बनाने तक में आप सबकी ज़रूरत है. आप सब आइए. आपका ब्रेन, आपकी एक्सपर्टीज़ की हमें भी ज़रूरत है, दिल्ली को ज़रूरत है. दिल्ली हम यहाँ तेलंगाना में कर सकते हैं, हम आंध्र प्रदेश, पुणे, बंगाल, कहीं भी कर सकते हैं, बट दिल्ली में नहीं करेंगे तो देश में नहीं होगा. ध्यान रखिएगा. थैंक यू वेरी मच.